इस कोपनी में तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं। 20 साल में कितनी ईदें घर गुजारी हैं? तकरीबन एक ईद गुजारी है 20 साल में। 20 साल में सिर्फ एक ही एक ईद गुजारी है। आपने वीजा जहाँ से किसे लिया? वीजा मैंने लिया था वो खुशहाल के नहीं होते थे जेलम के, 2000 में लिया था, 2001 में। आपसे किसी ने कुछ पैसे तो नहीं मांगे वीडियो बनाने के? जी फ्रेश भी मंगा रही है और रिटर्न भी मंगा रही है, लेकिन इसमें फ्रेश ज़्यादा आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आज फिर आपकी खिदमत में एक नई कंपनी, एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला, और बिना टाइम वेस्ट किए आपका चलते हैं वीडियो की तरफ। चाचा सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चाचा सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया इस चैनल के लिए। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका इस चैनल का, और पूरी दुनिया देख रही है, ये आपकी बड़ी हौसला अफजाई है। जो नए पाकिस्तानी यहाँ सऊदीया में या दुबई में किसी भी मुल्क में जाने के लिए अगर तैयार हैं, तो आपकी परमिशन से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी देखने वाले हैं इसको देखने के बाद हर कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन मेरे हिसाब से आपका बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, ये काफ़ी नंबरमेंट हो चुका है। अच्छा अपना प्यारा सा नाम बताएं देखने वालों को। मोहम्मद शकील खोखर। आपका ताल्लुक कहाँ से? आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से। अच्छा इस कंपनी का नाम बताएं जिसमें आप काम कर रहे हैं। नकलियात अल जाबरी। नकलियात अल जाबरी, ये रवैया सफैया इसी के नाम है? रफैया सफैया नकलियात अल जाबरी। रफैया सफैया नकलियात अल जाबरी इसका पूरा नाम है। पूरा नाम है इसका। अच्छा आप चाचा ये बताएं आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया इस कंपनी में? इस कंपनी में तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल में कितनी ईदें घर गुजारी हैं? तकरीबन एक ईद गुजारी है 20 साल। 20 साल में सिर्फ एक ही एक ईद गुजारी है। सैलरी आपकी? अभी 1500 है। 1500 है सर। 20 साल पहले कितनी थी? 20 साल पहले 900 की थी। 900 थी। अच्छा इसमें आप लोड क्या चीज़ करते हैं? इसमें फ्यूल। कौन सा फ्यूल? फ्यूल 380 नंबर है इसका, ये जनरेटर में इस्तेमाल होता है। जनरेटर में इस्तेमाल होता है। कहाँ से लोड करते हैं? ये यंबो से। अच्छा गाड़ी कौन सी है जो आप चला? ये जब गाड़ी जो है ये वॉल्वो है, 2016 मॉडल है जी। नई गाड़ी है? नई गाड़ी है जी। एसी वगैरह तो चलता है? एसी वगैरह माशाल्लाह अच्छा चलता है। हीटर हर चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा आप कहाँ से लोड करते हैं और कहाँ खाली करते हैं? यंबो से लोड करते हैं और जलामीद में खाली करते हैं। कितना सफ़र होता है ये? आना जाना तकरीबन 2900 किलोमीटर बनता है। 2900 किलोमीटर? 2900 किलोमीटर बनता है ये। फिर कितने दिन में एक ट्रिप मुकम्मल? ये तकरीबन 4 दिन में ट्रिप का मुकम्मल होता है आना जाना। जानी के लोड करके खाली करके जब आप लोडिंग वाली जगह पर पहुंचते हैं जी, तो चार दिन गुजर चुके होते हैं। चार दिन गुजर जाते हैं। तो फिर खाना वाना आप रास्ते में? ज़्यादातर तो होटल पे ही खाया जाता है, टाइम नहीं होता है इतना। वैसे बना सकते हैं? वैसे बना सकते हैं अगर आप कोई पुछ कोपनी की तरफ से किसी तरह से परेशानी नहीं है। किचन बना हुआ है गाड़ी? किचन सब कुछ है बना हुआ है, साथ में रेडी है। और बस को भी मेरे दोस्त वगैरह पकाते हैं, मैं तो बहुत कम ज़्यादा रोट पे ही रहना खाना ही ना खा लेता। अच्छा 20 साल में आपने कुकिंग नहीं सीखी चाचा? 21 साल में नहीं, बस किया कुछ गुजारा। अच्छा तो लेकिन बस चलता रहता है, ऐसे दोस्त यार हैं साथ चलते रहते हैं, भाई हैं ज़्यादा। चलो माशाल्लाह। तो बाकी कोई ऐसी कोपनी में परेशानी नहीं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह 3 हैं जी। 3 पढ़ लिख रहे हैं? पढ़ रहे हैं जी। जी पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी क्लासेज में? एक 11वीं में है और एक 10वीं में है और दूसरा भी 11वीं में है। माशाल्लाह अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो चाचा अभी आप इतना लंबा सफ़र आप तय करते हैं, ज़ाहिर बात है 2900 किलोमीटर, तो रास्ते में अगर अलग करे कोई टायर शायर फट जाता है तो उसमें क्या कंपनी गाड़ी आपके पीछे आती है या स्पेयर टायर आपके पास होते हैं, वो किस तरह से आप किताब होता है? जी पंचर हो जाए तो पहले तो बात है बहुत कम में आसा है, लेकिन अगर आ जाए तो खुद बदली कर लेते हैं। तो टायर हमारे पास स्पेयर अच्छे हैं माशाल्लाह, नए टायर हैं। खोलने के लिए मशीनें भी होती हैं? खोलने के लिए मशीनें भी होती हैं, कभी कभार कोई मत्था करीब हो जाए तो खोल लेते हैं, नहीं तो रोड पे जो चलते हैं उनको कॉल कर लेते हैं, आगे बदली कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन वहाँ जहाँ पे पेट्रोल पंप को कहते हैं आपकी मालूमात के लिए, क्योंकि हमारी वीडियोज़ होती हैं सिर्फ और सिर्फ मालूमाती होती हैं, हमारे पास वीज़े शीज़े तो होते नहीं। आप लोग काफ़ी तकलीफ उठाते हैं भाई इसका वीज़ा, तो मैं आपको पहले भी आपसे कह चुका हूँ अभी भी कह रहा हूँ कि वीज़े शीज़े हमारे पास नहीं होते, हम सिर्फ मालूमाती वीडियोज़ बनाते हैं कि जब आप जहाँ पर आएँगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी कौन सी चलानी होगी वगैरह वगैरह। अच्छा चाचा इस टैंकर के अलावा इस कंपनी के पास और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? इसमें गुलाब भी हैं और सत्ते भी हैं और डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ भी हैं। गुलाब किसे कहते हैं? गुलाब ये जिसको ड्रम ट्रक कहते हैं, डंपर को? जी डंपर को। और सत्ता? सत्ता ये अदीद लोड करते हैं, ओपन जो होता है, ओपन लोड होता है, उसमें अदीद लोड कर लो, क्वाइल लोड कर लो, जोल डोल जाती हैं गाड़ियाँ हैं, दुबई जाती हैं शारजा से। यानी कि इसके बाद डंपर भी है और बाकी वो ट्रेलर भी है, ट्रेलर और भी टैंकर है। टैंकर भी हैं और उसके बाद ट्रेलर भी ज़्यादा हैं। गंदा वाली गाड़ियाँ भी हैं? ओबर वो नहीं, बल्कर वगैरह वो भी नहीं है।
चलो अल्लाह खैर करेगा जी। छुट्टी आपको कंपनी कितने टाइम के बाद भेजती है? दो साल के बाद छुट्टी देती है, 6 महीने की। 2 साल के बाद 6 महीना, 6 महीने के लिए आपको भेजती है, तो उसमें आपको क्या आने जाने का टिकट? आने जाने का टिकट देते हैं, और उसके बाद जो 2 साल काम किया था उसका बोनस दे देते हैं। बोनस भी देते हैं? बोनस देते हैं। ये तो अच्छी बात है जी। बोनस माशाल्लाह अच्छा मिल जाता है, तकरीबन 8-9 हज़ार रियाल मिल जाता है। 8-9 हज़ार रियाल, यानी कि आपको बोनस भी मिलता है 2 साल के बाद। 2 साल के बाद अगर अभी आप फाइनल एग्जिट जाते हैं, खरूज पर जाते हैं, यानी कि बस करके जाते हैं यहाँ से कि मैं अभी वापस नहीं आऊँगा, अगर आप ये फैसला कर लेते हैं, तो फिर आपको कंपनी कितने पैसे देगी? वो जितना साहब होता है ना, छुट्टियाँ काट के बाकी जो साहब मिलता है वो दे देती है, जितने 15,000 बन जाए, 16,000 बन जाए, जितनी सर्विस होती है उसके हिसाब से वो पेमेंट, यानी कि 6-7 लाख तक आपको मिल जाएगा। हाँ, जितना पाकिस्तानी मिल जाता है जी। चलो माशाल्लाह। अच्छा, आपको आपने वीज़ा जहाँ से किसे लिया? वीज़ा मैंने लिया था वो खुशहाल के नहीं होते थे जेलम के, 2000 में लिया था, 2001 में स्टार्टिंग में उनसे लिया था, तो तकरीबन जो है ना आज से तकरीबन 20 साल पुरानी बात है ये। पिंडी 6 रोड पे उनका दफ्तर है। अभी भी कुछ इतला है कि वीज़ा जाते हैं? वीज़ा जाबरी में जाते हैं, कहा गए हुए, अभी भी गए हुए हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं और कुछ गए भी हुए हैं अभी। क्या डेलीगेशन जाता है जहाँ से? यहाँ से जंट वगैरह जो है ना इनके अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है अभी, तो ये भेज देते हैं। अभी भी तकरीबन 80-85 पाकिस्तानी है, या कुछ इंडियन आए हैं, बांग्लादेश से भी आए हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद पाकिस्तानी है। अच्छा अच्छा, अभी आप जहाँ पे देखने वालों को थोड़ा उनकी कन्फ्यूजन होती है कि जब मैं उनसे कहता हूँ कि जब आप अलजोफ सकाका में आएँ तो हमारे साथ वीडियो बनवाएं, अभी आप इतनी दूर से आए हैं, अभी आप जहाँ पे आप ख़ुद मुँह से बता दें, आपसे किसी ने कुछ पैसे तो नहीं मांगे वीडियो बनाने के? जी ऐसी कोई बात है, कोई पैसे नहीं मांगे हैं। अगर आपको जिसको परमिशन दे रहे हैं, अगर अगर वीडियो बनाना चाहता है, अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पे लगाना चाहता है, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई पैसे की डिमांड नहीं है, और ये हेल्प कर रहे हैं बहुत अच्छी। इनकी जो चैनल की इन्होंने आगाज़ किया, बहुत अच्छा आगाज़ किया है, कोई पैसे वाली बात नहीं है भाई। नाज़रीन, आपने खुद सुन लिया, ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन मुझे भी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दोस्त ये समझते थे कि ये शायद वीडियोस बनाने के पैसे लेते हैं, तो ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, अल्लाह का दिया हुआ बहुत है। अच्छा चाचा, ये कंपनी अभी फ्रेश बंदे मंगा रही है या रिटर्न मंगा रही है? जी फ्रेश भी मंगा रही है और रिटर्न भी मंगा रही है, लेकिन इसमें फ्रेश ज़्यादा आ रहे हैं, और उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। जितने भी आ रहे हैं तकरीबन पाकिस्तानी की तादाद ज़्यादा है, इंडियन भी आ रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी की ज़्यादा तादाद है, तो फ्रेश भी आ जाए अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है। वो और लाइसेंस वगैरह बनवाने में कुछ हेल्प हो जाती है फिर? जी बिल्कुल, लाइसेंस बनवा के दे रही है कंपनी जी, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ठीक हो गया, तो इसके को वीज़े को पैसों को पता है कि कितने एक में अभी मिल रहा है पाकिस्तान, कुछ मालूम है? जी उसकी मालूम तो नहीं है, बस जहाँ पे एजेंट का साहब है वो कैसे मांग ले, कोई दो भी ले रहे हैं, 3 भी ले रहे हैं, 2.5 भी ले रहे हैं, 4 तक भी लोगों ने लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है 3 में ले रहे हैं, तो ज़्यादातर कोशिश है कि आप कन्फर्म करने के बाद आप वीज़ा लें तो बेहतर है। ठीक हो गया जी। अच्छा, खुशी की बात यह है कि कंपनी नए बंदे भी मंगवा रही है, बहुत कम कंपनियां हैं जो फ्रेश बंदे पाकिस्तान लेती हैं, तो ये भी खुशी की बात। ठीक है, अपना चाचा मोहम्मद शकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम सकाका में मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपका चाचा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी अलग निगमान।